They won't fear it until they understand it, and they won't understand it until they use it. तो what's up buddies, Christopher Nolan की next project Oppenheimer movie का trailer, official trailer release कर दिया गया है, और ये वाली जो movie होने वाली है, इस movie के लिए personally मैं तो काफ़ी ज़्यादा excited हूँ. एक तो हमें इसकी जो director इस वाली movie के Christopher Nolan, one of the best director देखने को मैंने, ऊपर से इस वाली movie की जो cast है, हम इसमें Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा Matt Damon जैसी cast देखने को मिलेगी. तो इस वाली वीडियो में मैं ओपनहाइमर मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मूवी में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने जा रही हैं. तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा. चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. बिना टाइम वेस्ट किए गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पर ये जो मूवी है ओपनहाइमर, ये यहाँ पर एक बायोपिक मूवी होने वाली है. किसके ऊपर? जे रॉबर्ट्स ओपनहाइमर पे. अब यहाँ पर ये आदमी कौन थे? इन्होंने यहाँ पर इन्वेंटर थे, आप इसको फादर भी कह सकते हैं, एटॉमिक बम के. यस, यहाँ पर जो आजकल हम एटॉमिक बम करते रहते हैं, ये यहाँ पर उसके फादर थे. इन्होंने यहाँ पर इसको इन्वेंट किया था, और यहाँ पर वर्ल्ड वार टू के आसपास ही एक यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ था, जिस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट का ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े वाला हिस्सा थे, इन्होंने यहाँ पर उसको हेड करते थे. तो इन्होंने यहाँ पर एटॉमिक बम को बनाया था. तो इस वाली मूवी में भी आप समझ गए होंगे, हमें इस वाली मूवी में ओपनहाइमर की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी कि कैसे यहाँ पर इनको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इनको यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी. हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर इनको इन सब से निमटने के बाद इन्होंने यहाँ पर एटॉमिक बम को ईजाद किया. और यहाँ पर इस पूरे ट्रेल पे अगर हम लोग आ जाते हैं, हमें इतना कुछ ज़्यादा रिवील तो इन लोगों ने नहीं किया. ये यहाँ पर हमारे क्रिस्टोफर नोलन की खसूसियत है, वो अपने ट्रेल में बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं, सब कुछ दिखा भी देते हैं मगर इतना कुछ रिवील भी नहीं करते. और यहाँ पर इस मूवी में जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसका मैं काफ़ी देर से इंतजार करूँ, जो हमें इस पूरे ट्रेल में यहाँ पर हमें जो शॉर्ट्स देखने को मिले हैं एक्सप्लोजन के, बॉम्ब के, आप भी कहते होंगे ये CGI VFX का यूज़ हुआ है, मगर नहीं, ये यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने कह दिया. हम इस ट्रेलर में जो शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, जो मूवी में भी हमें जितने भी एक्सप्लोजन के, बॉम्ब के, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर CGI नहीं है, ये यहाँ पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स शॉर्ट्स है. यस, यानी कि आप ये समझिए इन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यहाँ पर इनको क्रिएट किया था और कैमरे से उसको ऐसे रिकॉर्ड किया था. यहाँ पर कोई VFX और CGI का यूज़ नहीं हुआ. आप यहीं से देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर कितनी अपनी मूवीज को रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं. वो ओपनहाइमर मूवी को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं. CGI से भी रियलिस्टिक हो सकती है, मगर वो अपने अंदाज में जितना उसको असर हो सके. और इस पूरे ट्रेल में हमें यहाँ पर उस पूरी स्ट्रगल के बारे में बताया गया कि कैसे यहाँ पर ओपनहाइमर जो आदमी है उसको यहाँ पर कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. वो यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब के बारे में भी यही कह रहा है कि लोगों को पता नहीं है ये जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ, और उनको इस बात का असर तब तक नहीं होगा जब तक वो उसको यूज़ नहीं करेंगे. और ये हमें पता है जब पहला एटॉमिक बम यूज हुआ था जापान पे, उसके बाद से जो है लोगों को पता लगा था कि ये कितनी ज्यादा मेजर चीज है. और यहां पर मजीद ओपनहाइमर ट्रेल में ये भी कहता है कि मैं इस बात पे भी श्योर नहीं हूं कि हम इस वाले वेपन पे ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. ये भी यहां पर काफी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल रही है. और यहां पर ट्रेल के ओपनिंग शॉट में भी हमें ओपनहाइमर ही दिखाए जाते हैं कि कैसे वो यहां पर इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम यहां पर जो बना रहे हैं इसका हम बना तो रहेंगे, मगर इसका नेगेटिव असर यही होगा कि यहां पर बीच में हम अगर ट्राई करेंगे तो USA बीच में आ रहा है, ये हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है. और यहाँ पर इस ट्रेलर में हमें डेजर्ट के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक बम क्रिएट हो रहा है ये डेजर्ट में, यानी कि किसी खुफिया जगह में, एक सीक्रेट प्लेस पे क्रिएट हो रहा है. और हम यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट्स भी दिखाए जाते हैं कि कैसे यहाँ पर एटॉमिक बम को ये टेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम इसके भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं. तो मेनली इस ट्रेलर में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, इन लोगों ने हमें काफ़ी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया, बस हमें मेन स्टोरी सिनॉप्सिस ही बता दी है कि इस वाली मूवी में हमें क्या दिखाया जाएगा, जो कि हमें मेन स्ट्रगल जर्नी दिखाई जाएगी, हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो है ओपनहाइमर एटॉमिक बम को क्रिएट करता है. और इस वाली मूवी की कास्ट के बारे में बात करूँ, ट्रेल में हमें बिहाइंड द सीन जो और काफ़ी ज़्यादा लुक रिलीज हुए थे उससे हमें इस वाली मूवी में कन्फर्म हो गया. रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिलेंगे, मैट डेमन भी देखने को मिलेंगे, फ्लोरेंस प्यूग भी देखने को मिलेंगी, और भी काफ़ी ज़्यादा कास्ट हमें इस वाली मूवी में देखने को मिलेगी. तो पर्सनली मैं इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. पर यहाँ पर एक थोड़ी सी आप उसको कह सकते हैं इस वाली मूवी के लिए चैलेंज है कि यह वाली मूवी यहां पर रिलीज होने जा रही है 21 जुलाई 2023
मूवी को, और यहाँ पर जो बारहवीं मूवी है वो उसकी भी सेम एग्जैक्ट रिलीज डेट है 21 जुलाई 2023 को। तो एक ही दिन में दो यहाँ पर मूवीज रिलीज हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर बारहवीं मूवी को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मेरा तो ख्याल है कि दे देना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाला है। और यहाँ पर मैं जाते जाते एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें क्रिस्टोफर नोलन का पता है, उनकी खसूसियत यही है कि वो एक सिंपल स्टोरी को भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वे में दिखाते हैं, जिसको मैं अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ कि क्यों ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ओपनहाइमर मूवी आप लोगों को लग रही है कि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाली है, हमें जे रॉबर्ट्स ओपनहाइमर की ये लाइफ दिखाई जाएगी कि कैसे उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, नहीं ऐसा आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। आप इसको ऐसे एक्सपेक्ट करें कि ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग टाइप देखने को मिलेगी, क्योंकि यही यहाँ पर हमारे क्रिस्टोफर नोलन की खसूसियत है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की मूवी बनाने की। तो ओवरऑल ये चीज़ें मुझे इस वीडियो में बतानी थी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वाली मूवी के लिए कितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड है, हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा, मैं से कोई चीज़ मिस हो गई उसके बारे में बताइएगा। मैं आप लोगों को कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा। चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।